मैं आर्यन और आप देख रहे हैं क्रिकेट इज माय लीजन। और आज हमारे चैनल को पूरा एक साल हो चुका है। 9 जुलाई 2017 को मैंने चैनल बनाया था और अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी। और आज 2018 में इस चैनल को एक साल हो चुका है और इसी मौके पर मैं अपनी पुरानी वीडियोस आपके सामने देखूंगा और उसके रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर पर। ये थी मेरी पहली वीडियो, इसमें कुछ खास नहीं था, बस विराट के बारे में रिकॉर्ड वगैरह थे। ये मैंने रात को बनाई थी 8:30 बजे फ़ोन पे बनाई थी। मैंने यूज़ किया था एक स्लाइड शो का ऐप आता था उससे बनाई थी मैंने। उसके बाद MS धोनी की, मैं पहले रेगुलर वीडियोस डालता होता था, रोज़ एक आधी वीडियो डालता होता था MS धोनी की। ये वीडियो इसमें भी बस उसके रिकॉर्ड्स वगैरह ही थे, स्लाइड शो सिंपल। उसके बाद ABD विलियर्स की, ये आप देखो अभी, इसमें भी यही था। और पहले तीन वीडियोज़ में एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, मैंने तीनों वीडियोज़ में बॉलीवुड के सॉन्ग्स बैकग्राउंड में यूज़ किए और हम यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो उन वीडियोस पे आ गया कॉपीराइट क्लेम, मेरे को क्या पता था, मेरे को अभी कुछ महीने पता चला उस पर क्लेम आया हुआ है, वो हटाना था। फिर मैंने उसकी ऑडियो चेंज करी, तब जाके अब आप सुन रहे होगे ऑडियो अलग है, तभी वो अलग है क्योंकि अब मैंने चेंज कर दी, पहले बॉलीवुड के सॉन्ग्स हुआ करते रहे और उस पर क्लेम आ गया था। उसके बाद विराट कोहली इंडियन लेजेंड, हाँ ये थी वो मैंने बनाई थी वीवो वीडियो से, आपको लोगो दिख रहे नीचे वीवो। मैंने क्या किया था, एक मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, वैसे ही देखता रहता हूँ मैं, वो फिर मैंने देखी एक वीडियो के उसके बारे में, हाँ विराट कोहली के शॉर्ट्स से पीछे गाना चल रहा था, जस्ट मैं भी बनाता हूँ और नीचे उसका भी लोगो था वीवो वीडियो। क्या वीवो वीडियो क्या है, मैंने प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया, लोगो अच्छा लगा है, फिर मैंने भी वैसी वीडियोज बनाई। और आप देख रहे हो ब्लैक बॉर्डर्स है, पहले मेरी हर एक वीडियो के नीचे ऐसी ब्लैक बॉर्डर्स हुआ करते रहे, मेरे को कौन सा कुछ पता था कैसे ठीक करते हैं, बस जो जैसे बनी वीडियो बस अपलोड कर दी, तब इतनी नॉलेज नहीं होती थी, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करते होते रहे, बस मजा तरह के करते रहो। फिर उसके बाद थी ये वीडियो, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, 10 वेस्टेड टैलेंट्स इन क्रिकेट। इसमें मैंने टैलेंट्स बताए थे इंडियन क्रिकेट के, जो वो प्लेयर्स जो टीम में आ सकते थे पर नहीं आ पाए। ये वीडियो भी बहुत मेहनत लगी थी, इस वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया था, ये भी फोन से बनाता था पहले सारे वीडियोज में। और इसमें मैंने एक और ऐप यूज किया था लेजेंड, जो आप देख सकते हो कोई कोई इफेक्ट्स उसमें लेजेंड ऐप से थे, ये मैंने नया ऐप इस वीडियो में यूज करा सबसे पहले। उसके बाद IPL थीम सॉन्ग्स पार्ट 1 और 2, हाँ ये भी अच्छी वीडियो थी। इसमें मैंने IPL के खास नहीं थी मतलब कुछ, इस वीडियो के साथ एक और ट्रेजेडी हुई थी कि मैंने क्या यूज करता था, पहले क्या करता था मैं अपनी आवाज़ जोड़नी होती है तो फिर मैं वो करता था अलग अलग ऑडियो, एक बार ऑडियो रिकॉर्ड कर ली एक और बार कर ली, मेरे को कैसे करता था दोनों को जोड़ना कैसे है, एक ऐप आता था ऑडियो मर्जर वो मैंने यूज करके दोनों को जोड़ दी, वो पता नहीं क्या हुआ गलती से डिलीट होगी। उसके बाद मैंने सारी वीडियो दोबारा बनी, सारी बन गई थी आवाज़ बस दोबारा डिलीट हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा शुरू से सारी वीडियो बनाई, इस वीडियो को 3-4 दिन लगे थे ऐसी बनाते बनाते, एक दो बार ऐसी डिलीट हो गई थी वीडियो। उसके बाद हाँ ये वाई चाइनीज लोगों ने इंडियन जर्सी, इसमें ये पहली वीडियो थी जिसमें मेरी आवाज़ थी, पहले कोई वीडियो में मेरी आवाज़ नहीं थी बस गाना चलता था पीछे, ये पहली वीडियो थी जिसमें मेरी आवाज़ थी, ये वीडियो बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, स्पेशल वीडियो है। उसके बाद मैंने शुरू किया युग बनाने, युग विराट कोहली का बनाया सबसे पहले, युग के पीछे भी एक कहानी है, अक्षय तृतीया आपको पता है वो बनाता था क्रांति, तो उसका चैनल बीच में बंद हो गया था, स्ट्राइक शुरू कर गई थी, वो क्रांति बनाना उसने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा मैं भी बनाता हूँ, इसमें कुछ अलग हुआ आइडिया, उसमें ऐसे ही बोलता रहा जैसे मैं युग में बोलता हूँ, फिर मैं क्या अगर मैं क्रांति रख लूंगा सारे बोलेंगे अक्षत की कॉपी अक्षत की कॉपी, मुझे कुछ नाम चेंज कर लेते हैं, कंसेप्ट वही रखेंगे, लाइंस भी चेंज कर लेंगे। फिर मैं सुना युग अच्छा लग रहा है बस, फिर युग बना दिया। उसके बाद बस अच्छा लगने लगा सबको, 50-60 व्यूज आते रहे, वो अच्छे कमेंट्स आने लगे क्या ये बनाते हैं। फिर मैं लगातार 6-7 युग बनाए, युग विराट कोहली का, युग MS धोनी, युग रोहित शर्मा, युग ABD, सबके युग बना लिए थे मैंने। उसके बाद ICC ने लगाया बैन धोनी पे, रनआउट्स पे, ये तो थोड़ा क्लिक बैट लगा लो, ये फेक फील्डिंग के ऊपर था कि एक ICC का नया रूल आया था फेक फील्डिंग, उसमें था कि अगर कोई भी बैट्समैन फेर फील्डिंग करेगा तो बैन हो जाएगा या फाइन फून होगा ऐसा कुछ। तो फिर MS धोनी कभी कभी दिखाते होते हैं कि वो रनआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे पर कर देते हैं, इसको फेक फील्डिंग में था उसके ऊपर न्यूज थी एक तरह से। उसके बाद हाँ उसके बाद था प्लेयर्स का मजाक मत उड़ाना, ये बड़े अच्छा है। क्या हुआ था, हम स्कूल में पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री का चैप्टर था, टीचर होते रहे हमारे, वो एक वैसी बात शुरू हो गई क्रिकेट की, वो कहते हैं कि क्रिकेटर्स को के लिए ना कुछ होना चाहिए कि अगर उनको इंग्लिश आती है अच्छी तो वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं खेल सकते, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लिश आनी चाहिए उनको। मेरे को ये बात बुरी लगी, मैं वहां तो इतनी हिम्मत नहीं थी क्लास में बोलने की, क्या मैं कैसे करूं,
तो वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक पे। फिर मैंने वीडियो बनाई कि प्लेयर्स को जरूरी नहीं है कि इंग्लिश हो ना हो, वो क्रिकेट खेलना आना चाहता है। ये बात सही भी है। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर को इंग्लिश खेलनी ना आती होती, इंडिया को 34,000 रन का नुकसान होता, वर्ल्ड को अपना बेस्ट बैट्समैन ना मिल पाता अगर उसको इंग्लिश ना आती होती। तो गलत नहीं बात, इंग्लिश करके क्रिकेट छोड़ दिए तो गलत लगी मेरे को बात। उसके बाद ये मैं फिर मैं न्यूज डालना शुरू कर दी थी बीच बीच में। मैंने विराट कोहली 0 पे आउट हो गए, पहली बार हुए, रिकॉर्ड बन गया ऐसा कुछ। उसके बाद एक और वीडियो आई थी ऑस्ट्रेलिया टीम पे अटैक हो गया, ये ऐसी वीडियोस में बीच में न्यूज डालने लग गया था, बहुत न्यूज डालता था, रोज वीडियो अपलोड करता था। फिर मैंने डाली एबीडी विलियर्स का कमबैक, ये वीडियो से काफी मेरे चैनल पे फर्क आया। ये वीडियो मैं बना रहा था कि एक दो दिन बाद दिवाली थी, मैं रात को 9 बजे मैंने वीडियो बनानी शुरू की, आवाज रिकॉर्ड कर ली, वीडियो बन गई, 10 बजे तक बन गई। ऐसे तो 10 बजे डालो अच्छा, ऐसे कौन देखेगा, कल डालो उनके, चलो डाल दो देखी जाएगी। मैं वीडियो डाल दी, 1 घंटे में उसमें आ गए 700 व्यूज मेरे, तब तक पूरे चैनल पे 500 व्यूज भी नहीं थे, एक वीडियो पे 700 आ गए, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद अक्षत ये पहली फेस का वीडियो दिवाली वाले दिन ही डाली मैंने 19 अक्टूबर, ये थी यूट्यूब बिगेस्ट फ्रॉड। इसमें मैंने कहा था कि अक्षत इज ऑफ यूट्यूब बिगेस्ट फ्रॉड है, ये किसी को समझ में नहीं आई वीडियो, सिर्फ मेरे को आई। मैंने अक्षत इज ऑफ को फ्रॉड नहीं कहा था, मैंने कहा था एक और चैनल है ऐसा जो कह रहा है कि मैं असली अक्षत हूँ, क्योंकि अक्षत का चैनल था बंद हो गया था, और एक और फेक चैनल आया 10-15 सब्सक्राइबर्स से, कहता मेरा ये, मैं अक्षत इज ऑफ हूँ, मेरा चैनल बंद हो गया, मैंने नया बनाया, और ये सब फेक था। उसके बाद में अक्षत इज ऑफ ने अपने चैनल पर भी कहा कि मैंने कोई नया चैनल नहीं खोला था, और मैंने यही बताया था, पर बस किसी को समझ में नहीं, सारे कहने लगे अब ये वीडियो प्राइवेट है आप नहीं देख सकते। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।